आज हम बनाते हैं राजमा की सब्जी। राजमा बनाने के लिए हमें लहसुन और अदरक का हमने मूसली में कूट के और तब लिया ये, और ये लिए हमने दो टमाटर। टमाटर हमने कद्दूकस करा है, मिक्सी में नहीं पीसा है। और ये लिए बारीक बारीक प्याज दो काट के, और ये ले लिया है मैंने तड़का के लिए तेल, और ये लिया है हरा धनिया। ये राजमा हमें उबाल के लिए, और हमें ये उबाली है नमक डाल के, हमें सोडा भी नहीं डाला है इसमें। ये हम डालेंगे पहले तेल, ये हम डालेंगे एक तेज पत्ता, एक चम्मच जीरा, और ये डालेंगे हम आधा आधा फोड़ के धनिया। अदरक का डालेंगे हम प्याज, ये हमारी प्याज भुन गई है। अब हम इसमें टमाटर डाल लेंगे, मसाला डाल लेंगे, ये डालेंगे हल्दी, ये डालेंगे नमक, ये कुटी हुई मिर्ची, ये धनिया पाउडर, ये हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ये हम डालेंगे भी थोड़ा सा गरम मसाला। ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, और इसमें देखो तेल छोड़ दिया है टमाटर में। अब हम इसके अंदर डालेंगे राजमा। ये हमें थोड़ी देर चला लिया है, मसाले में मिक्स हो गया है बिल्कुल राजमा। अब हम इसमें तरीकी बनाएंगे, तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब हम इसको 5 मिनट और खदकाएंगे। 5 मिनट ही बहुत है, क्योंकि हमने उबाल के लिया है राजमा। अब हम इसको रख देंगे। हमारी तैयार। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। बिल्कुल तैयार हो गया है, गैस को कर देंगे बंद।